हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम अपनी नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की। ह्यूमन डेवलपमेंट जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें से भर भर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे कि पीजीटी में तो इसमें से बहुत एक अच्छा खासा पोर्शन आपको मिलेगा, टेट में आपको इसका पोर्शन मिलेगा, सी टेट में जो चाइल्ड पेडोलॉजी आती है वो पूरा आपके आपका इसमें से निकल के आता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो आपका होम साइंस का पूरा एक पर्टिकुलर मान लीजिए 30% क्वेश्चन आपके ह्यूमन डेवलपमेंट से आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज से हम यही अपनी नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, साथ साथ में हम अपना फूड एंड भी लेके चलते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट अपना जो यूनिट स्टार्ट करते हैं इसमें हमारा जो फर्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट देखें कि व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, स्टडी ऑफ कंसिस्टेंसी एंड चेंजेस इन ह्यूमन थ्रू आउट लाइफ, मतलब कि जीवन भर मानव में निरंतरता और परिवर्तन के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट बोलते हैं। मतलब कि हमारे जीवन भर हम में क्या क्या चीज़ें सेम बनी रहती हैं, एक जैसी बनी रहती हैं, और क्या चीज़ें हमारे अंदर बदलती रहती हैं। ठीक है, क्या हमारी स्किल्स चेंज होती रहती हैं, क्या हमारी एबिलिटीज़ चेंज होती रहती हैं, क्या एबिलिटीज़ हमारी सेम बनी रहती है। जैसे कि आप देखोगे तो कोई छोटा बच्चा है, उसके मन में अगर कोई फोबिया बैठ गया है, छोटे बच्चे के मन में किसी चीज़ से वो डरने लग गया, तो लाइफ टाइम वो उस चीज़ से डरता ही रहता है। तो यही है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट में कंसिस्टेंसी, हम देखते हैं कि क्या तो गुण हैं, एबिलिटीज़ हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारी लाइफ टाइम सेम बनी रहती है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे जीवन में अपने आप ही चेंज होती रहती हैं। जैसे कि अगर आप आज का बिहेवियर देखोगे और आप अपने बचपन के बिहेवियर को देखोगे, तो आज के बिहेवियर में और आपके बचपन के बिहेवियर में बहुत अंतर होगा। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वो बिहेवियर जो है में बदलाव आए हैं, कुछ फेयर्स कुछ डर आपके ऐसे होंगे जो आपके अंदर बचपन में थे और अब तक भी आपके अंदर वो फेयर्स हैं। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में हम यही पढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट में जो हमारा एस्पेक्ट है वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। ठीक है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट अगर हम देखें कि ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ ही क्यों रहे, हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि अगर आप होम साइंस की बात कर रहे हो तो हमारा क्या है, फैमिलीज़ के लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना। ठीक है, फिज़िकली मेंटली जो आपकी फैमिली है वो फिट हो, फिज़िकली फिट हो, मेंटली फिट हो, साइकोलॉजिकल फिट हो, है ना, तभी तो हम बोलेंगे कि हमारी जो सोसाइटी है वो डेवलप कर रही है। ठीक है, तो डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी फैमिलीज हैं उनका भी डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मेंटल हेल्थ है उस पर हम बात करें, कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो सोचने का तरीका है, आप जो एक हेल्दी और बेहतर लाइफ आप अपनी जी रहे हैं, आपका जो हैप्पीनेस है वो आप बेहतर अचीव कर सकें। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में हम यही देखते हैं कि किन कारणों से फैमिलीज में कई तरह के क्राइसिस और जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ रही हैं। ठीक है, तो इसी के लिए हम स्टडी करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को। जब से कोई भी इंसान पैदा भी नहीं हुआ है, यानी कि प्रीनेटल पीरियड से लेकर के जब तक उसकी डेथ होती है, ठीक है, तब तक हम व्यक्तियों का अध्ययन अपने ह्यूमन डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। और बेसिकली हम इसमें किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, उनका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम एक बच्चे को समझ सकें और हम उसको हेल्प कर सकें, उसको एक बेहतर इंसान बना सकें, ताकि वो फ्यूचर में एक बेहतर एडल्ट बने। ठीक है, और उसके भी फ्यूचर में जा करके वो एक जो जब वो ओल्ड एज में आए तो उसको एक सेटिस्फैक्शन रहे अपनी लाइफ के लिए कि पीछे जो है जो कुछ भी हमने अपनी लाइफ में अचीव करना था हमने किया है, अब हम हैप्पी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक जो व्यक्ति है उसका बर्थ से लेकर के या प्रीनेटल पीरियड से लेकर के डेथ तक हम उसके लाइफ को इतना स्मूथ और बेहतर बना सकें कि वो एक अच्छी लाइफ हमारी सोसाइटी में जी सके। ठीक है, एक सेटिस्फाइड लाइफ वो हमारी सोसाइटी में जी सके। तो यही सब हम ह्यूमन डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। फिर अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट को देखें तो हमारा जो मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। आप देखोगे तो इसमें दुनिया भर की चीज़ आती है, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट हम देखते हैं, इंसान की फिजियोलॉजी पे हम बात करते हैं कि जो भी हमारा व्यक्ति है उसकी जो फिजिक्स है, उसका जो फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो सही है या नहीं है, उसकी हाइट वेट उसकी हेल्थ सब सही है या नहीं है। न्यूट्रिशन पे हम इसमें बात करते हैं कि उसको सही पोषण मिल रहा है। डिजीज़ पे हम बात करते हैं कि अगर आपका डिजीज़ है, आपके अंदर कोई बीमारी है, तो ऑब्वियसली आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर किसी के घर में कोई किसी एक व्यक्ति को भी कैंसर जैसी इस तरीके की बड़ी बीमारी होती है तो उनकी पूरी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, साइकोलॉजी देखते हैं हम कि मनोविज्ञान आपका कैसा है, सोशियोलॉजी देखते हैं कि साइकोलॉजी भी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कि जो हम लोगों की साइकोलॉजी समझ सकें और फिर हम उसके थ्रू लोगों का विकास कर सकें। सोशियोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, हम सामाजिक विज्ञान, ताकि लोगों का जो है हम बेहतर तरीके से उनको समझ करके उनके विकास में हम हेल्प कर सकें। बायोलॉजी
बायोलॉजी इसमें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप इंसान के ह्यूमन बॉडी के बारे में नहीं समझोगे, आप उसे बेहतर तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हो। एजुकेशन की फील्ड में, रिसर्च की फील्ड में, इन सब फील्ड्स में हम ह्यूमन डेवलपमेंट को ले सकते हैं। ये सभी फील्ड्स में हम अगर देखेंगे, जब मैं ह्यूमन डेवलपमेंट का सिलेबस पढ़ती हूँ तो उसमें मुझे लगता है कि इसमें कौन सा टॉपिक है जो नहीं है, ठीक है, सारे टॉपिक इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट आप देखोगे तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, इसमें बहुत सारे फील्ड्स है, बहुत सारे फील्ड्स इसमें दिए भी नहीं है, बहुत सारे फील्ड्स आपके इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, लोगों के बारे में समझना है। इसका जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि आपके, मान लीजिए आपके घर के आसपास दो फैमिलीज हैं, ठीक है। एक फैमिलीज ऐसी है जहाँ जिनके पेरेंट्स अच्छे हैं, एजुकेटेड हैं, ठीक है, और वो सेम उनका इकोनॉमिक सेंटर, इकोनॉमिक स्टेटस है दोनों फैमिलीज़ का, सेम सैलरी है, ठीक है। लेकिन उनका अंतर क्या है, दोनों की, एक की फैमिली जो है, एक के पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, दूसरे के पेरेंट्स जो है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, एजुकेटेड ज़्यादा वो नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो किसके बच्चों में ज़्यादा एजुकेशन लेवल होगा, किसके बच्चे ज़्यादा पढ़ाई के लिए मोटिवेटेड, क्योंकि जो एजुकेटेड फैमिली है वो अपने घर का माहौल क्या बनाएंगे, एजुकेशन के साथ, एजुकेशन के लिए जो प्रॉपर माहौल होता है वो बनाएंगे, इन्वायरमेंट के घर का माहौल बिल्कुल ऐसा होगा कि एजुकेशन से रिलेटेड होगा। दूसरा जो अनएजुकेटेड है वो उस तरीके का, उस लेवल का माहौल अपने घर में नहीं बना पाएंगे, तो इसका इफेक्ट उनके बच्चों में एकेडमिकली आप देखोगे तो वो दिखाई देगा। तो यही है ह्यूमन डेवलपमेंट में, हम यही देखते हैं कि किस तरीके से हम फैमिलीज़ को बेहतर बनाएं, जो हमारी फैमिलीज़ में कमी हो रही है उस कमियों को हम हटा दें, ताकि आने वाले समय में जो हमारे बच्चे आज हमारे समाज में, हमारी फैमिलीज़ में जो जिनकी परवरिश हो रही है, वो बेहतर एडल्ट बने, सब साइंटिस्ट, डॉक्टर, एक बेहतर तरह की अपनी जीवन जिए और एक अच्छे माहौल को अपना, एक अच्छे समाज का निर्माण करें, ठीक है। तो इसलिए हम ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ते हैं। यह अध्ययन की वह शाखा है जिसमें जीवन पर्यंत होने वाले परिवर्तन और समानताओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब क्या करते हैं हम इसमें, एक तो हम परिवर्तन देखते हैं लाइफ टाइम, क्या क्या चेंजेस हमारे जीवन में हो रहे हैं, चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, हमारा बॉडी का प्रोपोर्शन बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत से बिहेवियर जो हमारे बचपन में होते हैं, वो समय के साथ साथ हमारे बिहेवियर बड़े होने पे चेंज हो जाते हैं, हम नए बिहेवियर, नए स्किल्स जो हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे बचपन में हमें जब टॉफ़ी चाहिए होती थी तो हम रो रो के टॉफ़ी मांगते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो गए हम सीधे हम टॉफ़ी मांग लेते हैं, और एक समय बाद हम मांगना भी अवॉइड कर देते हैं, हमें जो चाहिए वो हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे बिहेवियर में परिवर्तन होता है, और समानताएँ भी आती हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारी जो बचपन में थी, आपने देखा होगा, जो बचपन में अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बचपन में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो अगर आप उसे एज अ एडल्ट जब आप उसे मिलोगे तो वो एडल्ट में भी वो एडोलसेंस बनेगा, टीनेजर बनेगा, ठीक है, एक्टिव टीनेजर बनता है, ठीक है। इसके विपरीत अगर कोई बच्चा बचपन में ही बहुत ही बिल्कुल सुस्त टाइप का बच्चा है, तो वो अगर आप उसको बाद में जा कर के मिलोगे या उसके टीनेजर में आप उससे मिलते हो, तो आपको कहीं ना कहीं उससे लगेगा कि हाँ ये तबीयत ऐसा ही था और आज भी ये ऐसा ही है। तो ये क्या है, ये हमारे अंदर बहुत सी समानताएं होती हैं, चीज जो बचपन से लेके अब तक समानताएं होती है, और बहुत सी चीज़ें हमारे अंदर चेंज भी हो जाती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट वही चीज़ है जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि क्या क्या हमारे अंदर चेंजेस हुए हैं जब से हम पैदा हुए हैं, या उससे पहले से, प्रेगनेंसी के टाइम से, और क्या क्या हमारे अंदर एक जैसी चीज़ें आज भी बनी हुई हैं, ठीक है। साथ ही साथ शोधकर्ता का केवल एक ही उद्देश्य है कि वह उन कारकों को पहचान सके जो व्यक्तियों में होने वाले बदलावों और समानताओं को प्रभावित करता है, ठीक है, और फैक्टर्स भी देखने हैं कि क्या फैक्टर्स हैं कि हमारे अंदर बदलाव आते हैं, ठीक है, क्या फैक्टर्स हैं, क्या चीज़ें हमारे अंदर बदलावों को, समानताओं को प्रभावित करती हैं। कि अगर कोई छोटा बच्चा है, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, बहुत अच्छी फैमिली है उसके पास, ठीक है, उसके पेरेंट्स बहुत उसको अच्छे से रेयर कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, बच्चा एक्टिव है, लेकिन किसी हादसे में उसके पेरेंट्स चले जाते हैं, ठीक है, और बच्चा अकेला रह जाता है। तो जो बच्चा पहले बहुत एक्टिव था, ठीक है, लेकिन अब उसे उस लेवल की परवरिश उसे नहीं मिल पा रही है जिस लेवल की उसके पेरेंट्स देते थे, तो कहीं ना कहीं जो उसका बिहेवियर है वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारे कारक हैं, ठीक है। तो इस तरीके के कितने कारक होते हैं जो हमारे अंदर बदलावों को करते हैं, बदलावों को कंट्रोल करते हैं, और हमारे चेंजेस को भी, वो जो हमारी सिमिलरिटीज़ हैं, जो हमारी समानताएँ हैं, उनको भी वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये हम किस में पढ़ते हैं, हम ह्यूमन डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। अब ह्यूमन डेवलपमेंट का जो सबसे बड़ा फील्ड है वो है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में,
हमारा क्या अंतर होता है? ग्रोथ है, सिंपल सी बात है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? मानव विकास, ठीक है। यानी कि ह्यूमन का हमने डेवलपमेंट देखना है कि कितना कितना डेवलपमेंट उसका होता है ह्यूमन का, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो डेवलपमेंट के अंदर हमारे दो चीज़ें आती हैं, एक है हमारा ग्रोथ और दूसरा है हमारा डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ जो है वो हमारे डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो ग्रोथ को अगर हम देखें, ग्रोथ का मतलब क्या है? वृद्धि। ग्रोथ को हम बोलेंगे वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है? जब मेरी हाइट में वृद्धि हो रही है, वेट में वृद्धि हो रही है, जिसको मैं नाप सकती हूँ, ठीक है। और ये क्या है, वो हमेशा नहीं होती रहेगी, वो कभी ना कभी रुक जाएगी। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि ऐसी चीज़ है जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसे हम नाप सकते हैं, और ये एक समय बाद, एक समय पर आकर के रुक भी जाती है। एक इसकी लिमिटेशन होती है, हमेशा नहीं चलती रहेगी, एक इसकी लिमिटेशन होती है। जैसे कि एक हाइट है, वो आपकी कब रुक जाती है? आपका फिजिकल डेवलपमेंट आपका कब रुक जाता है? एडोलसेंस में, ठीक है। एडोलसेंस पूरा होते होते आपका जो एक फिजिकल डेवलपमेंट, जो एक मेल बॉडी है या फीमेल बॉडी है, वो आप एक्वायर कर लेते हो, ठीक है। तो वो हमारा क्या है? ग्रोथ है, समझ में आ गया। और डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट में ग्रोथ भी आएगा। तो डेवलपमेंट में हमारा क्या है? ये सिर्फ वही चीज़ हमने इसमें नहीं रखते हैं जो हमें दिखाई दे रही है, बल्कि बहुत सी चीज़ें हमारे अंदर, वो उन बदलावों को भी हम इसके अंदर लेते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चीज़ों को हम इसमें लेते हैं। डेवलपमेंट को हम नाप नहीं सकते, लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। कोई बच्चा है, आज अभी एक महीने, 6 महीने का है, हमने देखा 6 महीने बाद वो कुछ वर्ड्स जो है वो बोलने लगा, लेकिन हम क्या करेंगे? हम उन वर्ड्स को नाप नहीं सकते कि हाँ इतने शब्द बोले, लेकिन हाँ उसका हमें ये समझ में आ जाएगा कि इसकी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो हमारे क्या है? ग्रोथ और डेवलपमेंट ही हमारे यही होते हैं, इनमें यही अंतर होता है, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है। जैसे कि ग्रोथ के साथ वो क्या पूछ देते हैं? ग्रोथ कौन सा है, क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है? तो कौन सा है? हमारा ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है, ठीक है। और डेवलपमेंट हमारा क्या है? डेवलपमेंट हमारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों है, ठीक है। तो ग्रोथ को अगर हम देखें, सबसे पहले हमारा क्या है? ग्रोथ हमारा क्वांटिटेटिव है, यानी कि मीजरेबल है, क्योंकि मैं नाप सकती हूँ कि मेरी हाइट कितनी बड़ी, मेरा वेट कितना बड़ा, ठीक है। तो उसे हम एक तो नाप सकते हैं। और क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि जो हम गिनती में, गणनात्मक जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम गिनती में नाप सकते हैं, ठीक है। तो मैं मेज़र कर सकती हूँ कि मेरा आज 1 kg वेट जो है वो उतना पिछले महीने से इस महीने बढ़ चुका है, ठीक है। फिजिकल ग्रोथ होगा, ग्रोथ में हम क्या किसको लेंगे? मेनली हम फिजिकल ग्रोथ को लेंगे। टेंजिबल है, टेंजिबल का मतलब क्या है? इसको हम देख सकते हैं, मैं फैटी हो रही हूँ, मेरी हाइट बढ़ी है, तो वो दिखाई देगी, ठीक है। इसके अलावा इंक्रीज साइज ऑफ बॉडी साइज एंड बॉडी पार्ट्स, इसमें क्या क्या आएगा? एक तो इसमें आपके जो भी आपके शरीर के, आपका शरीर बाहर से बढ़ रहा है, और साथ ही साथ आपके बाहर से बढ़ने के साथ साथ जो आपके अंदर के जो बॉडी ऑर्गन्स है उनका भी जब साइज बढ़ रहा है, तो वो भी हमारे किस में आएगा? ग्रोथ में आएगा। जैसे कि अगर कोई बच्चा है और उसका जो लीवर है, ब्रेन है, वो एक एडल्ट के कंपेरिजन में छोटा होता है, ठीक है। जैसे जैसे वो बढ़ेगा, उसके जो अंदर के बॉडी पार्ट्स है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका जो लीवर है, ब्रेन है, वो भी बढ़ता है, ठीक है। तो और ये क्या है हमारा बॉडी पार्ट्स? एक तो हमारा साइज भी बढ़ेगा, दूसरा हमारा शरीर के बॉडी पार्ट्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। बॉडी पार्ट्स में हमारा ब्रेन बढ़ता है, और ब्रेन के बढ़ने के कारण, ठीक है, ब्रेन के बढ़ने के कारण जो हमारी लर्निंग बढ़ती है, ठीक है, जो हमारा नॉलेज बढ़ता है, वो भी हमारा ग्रोथ में ही आएगा, वो हमारा डेवलपमेंट में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये देखूँ कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है, वो प्लस नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं प्लस कर सकती हूँ, तो वो मेरा किस में आएगा? वो मेरा ग्रोथ में आएगा, ना कि डेवलपमेंट में आएगा, ठीक है। क्योंकि वो किस कारण से मेरे अंदर आई है एबिलिटीज़? क्योंकि मेरे ब्रेन का ग्रोथ हुआ है, उसके चलते वो मेरे अंदर एबिलिटी आई है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? यानी कि जो ब्रेन तो हमारा बढ़ ही रहा है, ब्रेन का साइज़ बढ़ा है, लेकिन उस साइज़ के बढ़ने के कारण जो जो मेरे अंदर एबिलिटीज़ आएंगी, नई स्किल्स नहीं आएंगी, डेवलपमेंट जो जो हमारे अंदर दिखाई देगा, जो 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 लर्निंग एबिलिटीज़ मेरी बढ़ेगी, वो सब भी हमारा ग्रोथ में ही काउंट होता है, वो डेवलपमेंट में काउंट नहीं होता है, ठीक है। डेवलपमेंट में क्या काउंट होगा? जैसे कि अगर मैं ये देखूँ कि 10 साल के बच्चे को ये वाला प्लस वो सॉल्व कर देना चाहिए, ठीक है, उसे अगर मैंने ये देखा कि 10 साल के बच्चे के अंदर ये वाली जो कैलकुलेशन है उसको आ जानी चाहिए, तो ये जो ये वाली बात मैं बोल रही हूँ कि ये कैलकुलेशन आ जानी चाहिए 10 साल के बच्चे, क्योंकि 10 साल का बच्चा इतना, बच्चे का जो ब्रेन है वो इतना डेवलप हो चुका होता है कि उसे ये वाली सम या कैलकुलेशन जो है वो कर देनी चाहिए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 10 साल का बच्चे से मुझे कुछ नहीं मतलब है, मुझे मतलब है कि मेरे घर का बच्चा जो है ये काम नहीं कर पा रहा, और बगल के बच्चे का वो काम कर पा रहा है, तो वहाँ क्या है? वहाँ डेवलपमेंट इशू।
हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ सिखाया जा रहा है उसे, उसे डेवलपमेंट अच्छे से दिया जा रहा है, पर ब्रेन दोनों का ही उस लेवल पर पहुँच चुका है, लेकिन एक कर पा रहा है एक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो एक जो है हमारा ब्रेन के चलते, जो हमारा ब्रेन के साइज के चलते जो हमारी लर्निंग बढ़ेगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम डेवलपमेंट सॉरी उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम ग्रोथ लेंगे, ठीक है। लर्निंग जो बढ़ रही है, लेकिन किसके कारण बढ़ रही है, ताकि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का विकास हो रहा है, ठीक है, उससे तो हम उसे ग्रोथ मिलेंगे, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा प्रीनेटल टू एडोल्सेंस रहता है ये हमारा, ठीक है, जब से हम प्रेगनेंसी के टाइम से लेके एडोल्सेंस तक हमारा ग्रोथ चलता है, और एडोल्सेंस में आकर के ये रुक जाता है, ठीक है। इसमें हम ग्रोथ में क्या क्या ले सकते हैं, हाइट ले सकते हैं, वेट ले सकते हैं, हेड सर्कमफ्रेंसेस ले सकते हैं, MUAC ले सकते हैं, MUAC मतलब मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस, ठीक है। ये क्या है हमारा, जो हमारा बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होती हैं, जो हमारे बाजू है उसकी हम नाप लेते हैं, ठीक है, कि आपका कितना फैट जो है आपके बाजू में इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे एंथ्रोपोमेटिक मेजरमेंट हैं, हाइट, वेट, हेड सर्कमफ्रेंसेस और MUAC, हम फूड्स में पढ़ेंगे एंथ्रोपोमेटिक मेजरमेंट्स, ये सब हमारे किस में है, ये ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करते हैं, ग्रोथ को हम इनमें माप सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया ग्रोथ क्या है। ग्रोथ हमारा वो बदलाव है जिन्हें हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट को हम माप नहीं सकते हैं, वो हम सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे कि ये डेवलपमेंट क्या है हमारा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है, क्योंकि ग्रोथ भी हमारा डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, ठीक है। इसको मापा नहीं जा सकता है, ग्रोथ वाला पोर्शन हम माप सकते हैं, लेकिन जो हमारा बाकी पोर्शन है उसको हम माप नहीं सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट में क्या होता है, मान लीजिए आज मैं बाहर गई, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती ना कि मैंने आज 1 किलो चीज़ें सीखी या 1 लीटर चीज़ें मैं सीख करके आई हूँ, 1 लीटर लैंग्वेज मैंने सीखी है, इतने वर्ड्स मैंने सीखे हैं, या मैंने इतनी नई स्किल्स एक्वायर की हैं, ये सब मैं नहीं बोल सकती, ठीक है। लेकिन मैं इसे फील कर सकती हूँ कि आज हाँ मैं आज गई थी वहाँ पर, इस तरीके की वर्कशॉप चल रही थी या इस तरीके का माहौल था कि मैं वहाँ से बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो सीख करके आई हूँ, लेकिन मैं उसे मेज़र नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन फील कर सकती हूँ। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हमारा होता है डेवलपमेंट में, इसमें फिजिकल आएगा, ठीक है, शारीरिक हमारा ग्रोथ वाला पार्ट इसमें आ जाएगा, इसके अलावा कॉग्निटिव आएगा, यानी कि जो मेरा ब्रेन जो शार्प हो रहा है, मैं आज ऐसी जगह गई कि मैं वहां से नई नई लर्निंग सीख करके आई हूं, ठीक है। तो वो क्या है, वो मेरा कॉग्निटिव पोर्शन है। फिर लैंग्वेज, नई भाषा सीखना, नई नई लैंग्वेज सीखते रहना, सोशल एंड इमोशनल, ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी किस में आएंगी, हमारी क्वालिटेटिव वाले पोर्शन में आएंगी, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, सोशल और इमोशनल, क्योंकि इनको हम मेज़र नहीं कर सकते, इन्हें सिर्फ हम फील कर सकते हैं, ठीक है। बिहेवियर में हम आप फील कर सकते हैं, कोई व्यक्ति एकदम से आज गया है किसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेज में, ठीक है, आप उससे 1 महीने बाद मिले, तो जब आप 1 महीने बाद उससे मिलोगे तो आपको उसकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे बदलाव दिखाई देंगे, बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे कि यार इसकी तो बिल्कुल पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई है, ठीक है। तो लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसकी ये चीज़ें चेंज हुई, लेकिन आप जब देखोगे तो आपको बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी में एक अलग सा ही बदलाव दिखाई देगा, लेकिन ये नहीं कह सकते क्योंकि इतने किलो बदलाव इसके अंदर आया है, ठीक है। तो वो क्या है, वो हमारा क्वालिटेटिव है, ठीक है, बदलाव तो दिखाई देंगे, आप फील कर सकते हो लेकिन उनको नाप नहीं सकते हो। तो ये कॉग्निटिव में हो सकता है, मान लीजिए आप अभी तक बिल्कुल एक ऐसे माहौल में रह रहे हो जहाँ पे आपको बिल्कुल भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए आपको कोई मौके नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अचानक आप एक ऐसी जगह चले गए हो जहाँ पे आपके ब्रेन को शार्प होने के लिए कितने सारी टेक्निक्स वहाँ पे आपको मौके मिल रहे हैं चीज़ों को सीखने के लिए, तो आपका कॉग्निटिव जो होगा वो बदल जाएगा, और आपके कॉग्निशन में भी, आपके अंदर भी क्रिएटिविटी अपने आप ही आ जाएगी, आप खुद ही आपके ब्रेन में क्रिएटिव आइडियाज़ आने लगेंगे, ठीक है। तो वो कॉग्निटिव में आएगा, लैंग्वेज में आएगा, जैसे कि आप देखोगे 10 साल के, अगर मैं देखूँ 10 साल के 2 बच्चों को लूँ, ठीक है, एक का घर का माहौल बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तो उसका उसके अंदर नए नए आइडियाज़ आएंगे, वो नए नए काम करेगा। दूसरा जिनके घर का माहौल अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, उसके घर के आसपास भी इतना माहौल अच्छा नहीं है, तो वो उसके उसके ब्रेन में वो आइडियाज़ इतने क्रिएटिव उसका ब्रेन नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये कॉग्निटिव है। कॉग्निटिव हमारा क्या होता है, जितना क्रिएटिव आपका ब्रेन है, जितना अच्छी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो, कितना अच्छे आप स्किल्स आपके अंदर आ रही हैं, ये सब आपका क्या है, कॉग्निटिव में आएगा। लैंग्वेज क्या हो गया, लैंग्वेज हमारी भाषा हो गई, कितनी तरह की लैंग्वेज हम रोज़ के रोज़ सीखते हैं, नई नई लैंग्वेज हमें आती रहती है, ठीक है, रोज़ नए कुछ ना कुछ नए वर्ड्स हम सीखते रहते हैं, ठीक है। सोशल एंड इमोशनल है आपका,
बहुत सी चीज़ें आप सोसाइटी से सीखते हो, सोसाइटी में लोगों के साथ रहते हो, कुछ लोग होते हैं जो सोसाइटी से बच के रहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोसाइटी का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट बन के रहते हैं। तो आप देखोगे तो सोशल डेवलपमेंट ये सब हमारे किसके हैं, डेवलपमेंट के ही पार्ट है। चेंज इन द बिहेवियर हम इसमें देखते हैं, ठीक है, चेंज इन द बिहेवियर हम देखते हैं, मतलब मेन हमारा क्या है इसमें, तो हम क्या देख रहे थे, सिर्फ जो चीज़ें हम मेजर कर सकते थे, इसमें हम क्या देख रहे हैं, हम बिहेवियर के अंदर बदलाव देख रहे हैं जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, मेजर हम उसे नहीं कर सकते, ठीक है। प्रीनेटल टू डेथ, ये हमारी कहाँ से आएगी, प्रीनेटल से लेके के डेथ तक आएगी, ठीक है, ये वाला। और पहला वाला कहाँ था, प्रीनेटल से एडोलसेंस तक था। इसमें जो क्वेश्चंस आता है वो एक तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वाला क्वेश्चन आ जाता है, दूसरा टेंजिबल और इनटेंजिबल आ जाता है, ये वाला इनटेंजिबल होगा, ये टेंजिबल होगा, ठीक है। दूसरा ये एडोलसेंस तक स्टॉप हो जाता है, ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, ये तीन चार क्वेश्चन चीज़ें हमारे इसमें आ सकती है, या फिर ये हो सकता है ग्रोथ के साथ हाइट और वेट दे देंगे तो आपको मैच करना होगा, टीजीटी पीजीटी में तो बहुत आता है इस पे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसी को हिंदी में लिखा है वृद्धि, थोड़ा गलत लिख गया है, इसे ठीक से देख लेना। वृद्धि हमारा क्या है, एक तो मात्रात्मक है, मापने योग्य है, शारीरिक विकास इसमें आता है, ठीक है, वास्तविक होता है यानी कि टेंजिबल होता है, हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसके अलावा हम शरीर के आकार और शरीर के अंग का आकार बढ़ाएं, ये सब इसमें आता है, ठीक है। किशोरावस्था में रुक जाता है, किशोरावस्था के लिए प्रसव पूर्व, ये प्रसव से लेकर के किशोरावस्था का किशोरावस्था तक हुआ, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। फिर उदाहरण है हमारा ऊंचाई, वजन, सिर की परिधि, मध्य अपर बाह की परिधि, ठीक है, ये सब हम इसमें लेते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा विकास में है गुणात्मक और गुणात्मक एंड गणात्मक होगा, ये गणात्मक होगा, ये गुणात्मक होगा, ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, एक गणात्मक है, गुणात्मक है, मापने योग्य नहीं होता है, इसे मापा नहीं जा सकता है, शारीरिक इसमें आता है, संज्ञानात्मक आता है, भाषा आता है, सामाजिक और भावनात्मक इसमें आता है, व्यवहार में बदलाव हम देखते हैं, और जन्म से मृत्यु पूर्व हम इसमें अध्ययन करते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक का अध्ययन हम इसमें करते हैं। अब अगर हम देखें डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में हमारे कितने तरह के डोमेन्स होते हैं, एक तो फिजिकल होता है, ठीक है, यानी कि जो हमारा शारीरिक विकास है, डेवलपमेंट अगर हम देखेंगे तो हम पूरा ओवरऑल जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जिस तरीके से व्यक्ति में विकास हो रहा है, तो हम उसे तीन हमने उसके कैटेगराइजेशन कर दिए हैं, ठीक। तो पहला कैटेगराइजेशन हमारा क्या है, पहला है फिजिकल, दूसरा है कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज, एंड तीसरा है हमारा सोशल एंड इमोशनल, ठीक है। फिजिकल के साथ हम मोटर भी रख सकते हैं, मोटर डेवलपमेंट भी फिजिकल एंड मोटर आ जाएगा, क्योंकि शारीरिक विकास देखेंगे हम बच्चे का, हम दूसरा देखेंगे कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज देखेंगे, यानी कि लैंग्वेज में हम किससे एक्वायर करते हैं, जितना ज़्यादा हमारा ब्रेन शार्प होगा उतनी ही अच्छी लैंग्वेज हम एक्वायर करते हैं, ठीक है। सोशल और इमोशनल हमारे साथ ही साथ चलते हैं, क्योंकि हमारे जो इमोशंस हैं वो किससे डेवलप होते हैं, हमारी सोसाइटी से और सोशल से ही हमारे डेवलप होते हैं। अब देखें फिजिकल डेवलपमेंट में हमारा क्या क्या आता है, एक तो हमारा जो बॉडी साइज है उसका उसमें बदलाव आना, उसमें बढ़ोतरी होना, बेसिकली उसमें शरीर के साइज़ में बदलाव आना और प्रोपोर्शन में बदलाव आना। प्रोपोर्शन का मतलब है अनुपात, अनुपात का मतलब क्या है, जब आप देखोगे कि जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसका सर वाला पोर्शन ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू उसकी अदर बॉडी, ठीक है, मतलब नीचे जो लोअर बॉडी है उसका जो प्रोपोर्शन है उसके सर के प्रोपोर्शन के हिसाब से देखोगे तो सर ज़्यादा बड़ा होता है और जो बाकी की बॉडी है वो कम बड़ी होती है, ठीक है, थोड़ी छोटी होती है प्रोपोर्शन वाइज देखोगे तो अजीब भी लगता है वो कि सर इतना सारा बड़ा और जो बाकी की लोअर बॉडी है वो छोटी छोटी सी, ठीक है, हाथ इतने छोटे छोटे से होते हैं। लेकिन जब बेबी जो है वो बड़ा हो जाता है, यानी कि जब हम एडल्ट बन जाते हैं तो आप देखोगे हमारा सर कितना छोटा हो जाता है और बाकी की बॉडी का जो हमारा प्रोपोर्शन है वो कितना बड़ा हो जाता है, ठीक है, 6 फीट की उसमें कुछ इंच का ही सर बचता है, ठीक है, बॉडी में। तो ये क्या है, ये हमारा बॉडी का साइज भी बदलता है और प्रोपोर्शन भी बदलता है, ठीक है, अनुपात भी बदलता है, अपियरेंस बदलता है, बाहर से दिखाव जो हमारा फिजिकल अपियरेंस है वो चेंज होता है, जो हमारी दिखावटी है दिखावट है वो चेंज होती है। फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम, मतलब जो शरीर का जो सिस्टम है उसके में भी बहुत से बदलाव आते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उतना स्ट्रांग नहीं होता है, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा तेज मिर्च मसाले का हम नहीं देते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रांग होता जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम है, ठीक है, बड़े होने पे हम कुछ भी डाइजेस्ट कर लेते हैं लेकिन छोटा बच्चा उतना अच्छा डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, इसलिए उसका जो खाना है वो बड़ों के कंपैरिजन में अलग रखते हैं हम, ठीक है। फिर है फिजिकल हेल्थ,
मतलब शारीरिक हेल्थ कैसी है, शारीरिक स्वास्थ्य उसका कैसा है, ये सब हमारा किस में आएगा, फिजिकल डेवलपमेंट में आएगा। मोटर डेवलपमेंट हम इसमें देखेंगे, मोटर डेवलपमेंट क्या क्या होता है, आपका फाइन एंड ग्रॉस दो तरह के मोटर डेवलपमेंट होते हैं। क्रियात्मक विकास हम इसे बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट को, इसमें एक है हमारा सूक्ष्म और एक है हमारा ग्रॉस, मतलब कि आप जो क्रिया कर रहे हैं। तो छोटा बच्चा है वो पहले बेड पे ही रहता है, सिर्फ अपने हाथ पैरों को हिला सकता है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा उसका अपनी बॉडी पे कंट्रोल होता है तो वो चलना शुरू करता है, फिर वो दौड़ना शुरू करता है, उसके बाद वो बॉल्स को फेंकना शुरू करता है, उसके बाद वो क्रिकेट खेलना शुरू करता है, उसके बाद वो फुटबॉल खेलता है। तो ये सब क्या है, ये हमारे मोटर डेवलपमेंट है कि बॉडी का शरीर की क्रिया में क्या क्या बदलाव आते हैं। ठीक है, इसमें दो तरह के होते हैं, फाइन एंड ग्रॉस। फाइन में क्या है, फाइन का मतलब होता है जब हम, ये आता है एग्जाम में कि फाइन कौन सा है और ग्रॉस कौन सा है। फाइन कौन सा है, फाइन मतलब सूक्ष्म इसको बोलते हैं, जब हम बॉडी के एक या दो पार्ट्स को हम यूज़ कर रहे हैं किसी क्रिया के लिए, किसी काम के लिए, तो हम उसे फाइन में रखेंगे। जैसे कि लिखना, लिखने में हम अपनी आईज़ को यूज़ करते हैं और हम अपने फिंगर्स को यूज़ करते हैं, है ना। तो आईज और फिंगर्स के कोऑर्डिनेशन से हम कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, जिसमें एक या दो बॉडी पार्ट्स हमारे, दो या तीन बॉडी पार्ट्स हमारे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे फाइन में आएंगे। ग्रॉस हो गया हमारा दीर्घ, ग्रॉस ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट यानी कि दीर्घ जो क्रियात्मक विकास होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जिसमें हमारी पूरी बॉडी काम करती है, जैसे चलना, दौड़ना, भागना, क्रिकेट खेलना, उसमें क्या है, हमारी पूरी बॉडी काम करती है, तो उसको हम किस में रखते हैं, ग्रॉस में रखते हैं। तो क्रिया में हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है फाइन और दूसरा होता है ग्रॉस। ठीक है, आई होप आपको फाइन और ग्रॉस समझ में आ गया होगा। यही लिख लेना क्योंकि ये मैंने नोट्स में इंक्लूड नहीं किया है, साथ साथ में यही लिख लेना क्योंकि इसमें से आ जाता है क्वेश्चन। वो एक तरफ से राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग दे देते हैं, दूसरी तरफ वो फाइन मोटर स्किल्स दे देते हैं, एक तरफ वो क्रिकेट खेलना दे देते हैं, और मैचिंग में हमें लिखना होता है कि वो कौन से वाला मोटर डेवलपमेंट है, तो कौन सा वाला है, ग्रॉस वाला है, सिंपल सा है। ठीक है, तो इसे यहीं अपने नोट्स जब आप बनाएंगे तो इन दो चीज़ों के ही मैंशन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हमारा ब्रेन डेवलपमेंट। ब्रेन भी मैंने बताया था कि जो ब्रेन का साइज़ बढ़ रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर ही रखेंगे, ग्रोथ के अंदर ही रखेंगे, और इसके कारण जो हमारी फंक्शनिंग भी ब्रेन की चेंज हो रही है, मतलब कि दो का पहाड़ा जो है हम किस एज में याद कर सकते हैं, तो वो हमारा किस में आएगा, ग्रोथ में आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट, ये हमारा फिजिकल डेवलपमेंट में ये सब चीज़ें आती हैं, यानी कि फिजिकल ग्रोथ हमारा उसमें आता है। हिंदी में है शरीर के आकार और अनुपात में वृद्धि। ठीक है, दिखावट, हमारे जो शरीर की बाहर की दिखावट है, शरीर प्रणाली की कार्य प्रणाली, शारीरिक स्वास्थ्य, मोटर विकास और मस्तिष्क का विकास। ठीक है, ये सब हमारे किस में आएगा, फिजिकल डेवलपमेंट में आएगा। अब हमारा कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, जो हमारे ब्रेन में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब शारीरिक नहीं, ब्रेन के शारीरिक वाले चेंजेस नहीं है, उसके चलते हाँ जो हमारा ब्रेन है वो शार्प हो रहा है। जितने ज़्यादा आज मैं एक अच्छे लोगों के साथ बैठी हूँ, एक बुद्धिजीवियों के साथ बैठी हूँ, तो उनसे मैं बहुत सारी चीज़ें सीख के आऊँगी। ठीक है, हो सकता है वो मुझे कुछ नया टेक्निक सिखा दें, स्किल सिखा दें, तो वो किस में आएगा, वो कॉग्निटिव में आएगा। ठीक है, उसके लिए मेरा कॉग्निटिव लेकिन इतना शार्प होना चाहिए कि मैं उसको सीख सकूं। पता चल रहा है उन्होंने कुछ ऐसी टेक्निकल स्किल मेरे को दी जो मैं सीख ही ना सकूं। ठीक है, तो कॉग्निटिव वही होता है कि किन चीज़ों को हम अपनी चीज़ों जो हम बौद्धिक क्षमताएं जो हैं यूज़ कर पाते सीखते हैं रोज की। ठीक है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होगी यानी कि बौद्धिक क्षमताएं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ बौद्धिक क्षमताएं, हमारा ब्रेन कितनी चीज़ों को सीख पा रहा है, नॉलेज जो हम रोज़ अपने दिमाग में ज्ञान रखते हैं, अटेंशन ध्यान रखना, मेमोरी याद करना, इमेजिनेशन कल्पना। ठीक है, हाँ, क्रिएटिविटी हमारा रचनात्मक है, जितना अच्छा ब्रेन आपका चलेगा आपके ब्रेन में उतनी ही क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग है समस्या को सुलझाना, लैंग्वेज है हमारी भाषा। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी क्या है, कॉग्निटिव में आएंगे। आप किसी समस्या में पड़ गए हो तो आप अपने दिमाग में बहुत सारे आपको आइडियाज़ आ जाएंगे कि हम इस समस्या का समाधान इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी समस्या ही है, छोटी छोटी सी चीज़ें, जैसे कि सुबह आपको अगर उठ करके एक छोटा सा काम करना है तो उस काम को आप किस तरीके से परफॉर्म करोगे, तो वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है। जब छोटे बच्चे हैं तो उन्हें हर एक काम आपको गाइड करना पड़ता है कि आप उठो, ब्रश करो और आप अपने हैंड वॉश करो खाना खाने से पहले, लेकिन जैसे जैसे आपका कॉग्निटिव डेवलप होता जाता है आपके दिमाग में ये चीज़ें खुद ही फिट हो जाती हैं और खुद ही आप जो है ये प्रॉब्लम, ये वाली जो काम है अपने आप ही करना शुरू कर देते हो, इन्हीं को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जरूरी नहीं है कोई समस्या ही हो। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कुछ आप टास्क परफॉर्म कर ले रहे हो तो वो भी हमारा किस में आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही आएगा। ठीक है, फिर है इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। इसमें क्या क्या आएंगे, हमारे इमोशंस आएंगे, भावनाएं आएंगी, इमोशनल कम्युनिकेशन आएगा, भावात्मक संचार आएगा, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, पारस्परिक संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी कि मित्र, पारस्परिक संबंध, सॉरी ये वाला
पारस्परिक संबंध है हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है आत्मसमझ, इमोशनल कम्युनिकेशन है हमारा भावात्मक संचार, और इमोशंस है हमारी भावनाएं, ठीक है। फ्रेंडशिप है हमारी मित्रता, नॉलेज ऑफ अदर पीपल्स मतलब अन्य लोगों का ज्ञान। इमोशनल सोशल डेवलपमेंट में हम एक तो सोसाइटी में रहते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, जैसे कि आपका कल्चर हो गया, वैल्यूज़ हो गई, इसके अलावा आपके फैमिलीज़ की जो वैल्यूज़ हैं आपको, वो सब हम कहाँ से सीखते हैं, अपने माहौल से, अपने जो हमारी सोसाइटी है उससे ही हम सोशल डेवलपमेंट के थ्रू ही उससे सीखते हैं। और सोशल डेवलपमेंट के थ्रू ही हमारे अंदर क्या होते हैं, इमोशंस भी डेवलप होते हैं। अगर हमारा कोई ऐसा फैमिली का माहौल है कि हमें अपने इमोशंस को बिल्कुल एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं मिला, और बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, तो उसके चलते क्या होगा, हमारा इमोशंस जो है हमारे अंदर अंदर रहेंगे, और आगे जाके वो इमोशंस क्राइम में और किसी भी तरह के हार्मफुल एक्टिविटीज़ में हम बाहर रिलीज करेंगे, ठीक है। तो हमारे जितने भी सोशल डेवलपमेंट है वो हमारा किसको डायरेक्ट करता है, हमारे इमोशनल डेवलपमेंट को भी डायरेक्ट करता है। तो हमारे तीन तरह के हो गए हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये तीन तरह के डेवलपमेंटल एरियाज हमने डिवाइड किए हैं, ये एरियाज हमारे होते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। सबसे पहले हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट में हमने देखा था, ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या, सिंपल सी बात है, किसी भी व्यक्ति का जब से वो प्रीनेटल से लेकर के, जब से वो पैदा भी नहीं हुआ है, प्रेगनेंसी पीरियड से लेकर के उसकी डेथ तक का अध्ययन हम इसमें करते हैं। हम इसमें ये देखते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या चेंजेस इंसान में होते हैं। इन सब में हमने उनको तीन, जो भी हमारा डेवलपमेंट हम स्टडी कर रहे हैं उसको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक फिजिकल, कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज एंड सोशल एंड इमोशनल। फिजिकली वो कितना बड़ा हो रहा है या उसमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, उसका कॉग्निटिवली उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं, कितना लैंग्वेज उसका डेवलप हो रहा है, साथ ही साथ इमोशनली किसी व्यक्ति में और सोशली उसमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, ये सब हम पढ़ते हैं किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट में। ओके एवरीवन, हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली सबको, बाय बाय।